विभाग का हो, चाहे कृषि विभाग का हो, चाहे खाद्य विभाग का हो, चाहे तहसील का हो, सारे अधिकारी तानाशाह हो गए हैं। इन अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं से हरी झंडी मिल रही होगी। वाले किसानों के हक जो कृषक अंश रहता है उसी को, मतलब किसान समाज को इतना भ्रमित करने वाले लोग हैं, तो यहाँ आके 26 तारीख को कहता है मेरे क्षेत्र के किसान घूम रहे, मेरे क्षेत्र के किसान मर रहे। हम अपना अधिकार मांग के नहीं किसी से भीख मांग के, अपना अधिकार मांग के नहीं किसी से भीख मांग। जिंदाबाद सब किसान, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समस्त किसान बंधु आपको साथ आज ये जो जो ज्ञापन दिया गया है, ये अभी अतिवृष्टि से जो फसल खराब हुई है, इसके बारे में ज्ञापन दिया गया है कि किसानों को राहत राशि प्रदान की जाए एवं इसको बीमा का लाभ दिलाया जाए, क्योंकि कंडी का 6 RVC 6-4 के तहत 24,000 रुपये के हेक्टर के मान से दिया जावे, इसके बारे में दिया गया। पिछली जो सोयाबीन खराब हो चुकी थी, 75% जो किसानों को राहत राशि नहीं दी गई थी, 25% दी गई थी, इसके बारे में दिया गया है। और अभी जो फसल खराब हुई है, तो किसानों को ये फसल जो जिन्होंने खाद बीज लिया था बैंकों से, सोसाइटियों से, तो अगली फसल ना आने के, ये फसल ना आने के कारण इनको बीमा है, ये अपना खाद बीज उपलब्ध कराए ताकि अगली बोली में ये किसान अपना बोली कर सके। प्रशासन द्वारा किस प्रकार का आश्वासन शासन द्वारा दिया गया है? आश्वासन अभी हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया था, उन्होंने कहा है कि हम कोई आश्वासन नहीं दिया, अभी तो उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने ये बताया है कि हम आपकी जो मांगे हैं वो आगे पहुँचा।